गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फिट एंड फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 41 एंड 42। आई थिंक यू हैव नो डाउट इन दैट चैप्टर, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 43 चैप्टर। इट्स नेम इज द इमोर्टल्स। यू नो वेरी वेल, इमोर्टल मीन्स अमरणशील। इट मीन्स देर आर मेनी पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड हु आर डाइड, बट हिज नेम इज लाइव। नो, दुनिया के बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो मर चुके हैं, डेथ कर चुके हैं, बट उनका नाम आज भी हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं। उन्हीं के बारे में साथ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है बॉर्न इन 356 BC। इनका जन्म जो है 356 BC पहले हुआ है। हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम ग्रीस टू नॉर्थ अफ्रीका एंड एज फार ईस्ट एज इंडिया एंड अफगानिस्तान। इन्होंने अपने साम्राज्य को ग्रीस से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक और फार ईस्ट एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान तक फैलाया। उस पीपल्स का क्या नाम था? ओके, उनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट दिया हुआ है नॉन एज क्लाइव ऑफ इंडिया। क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश भी थे। इसके अलावा ब्रिटिश ऑफिसर के लिए सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून भी थे। उन पीपल्स का क्या नाम था? रोबर्ट क्लाइव। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है थ्री नंबर में, ही वॉज द कार्थागिनियन जनरल। कार्थागिनियन जनरल थे वो, ओवररैन साउथर्न स्पेन, गॉल्स, क्रॉस द आल्प्स एंड डिफीटेड द रोमांस एट द बैटल ऑफ कैनाई। ओके, इन्होंने रोमांस को बैटल ऑफ कैनाई में डिफीट किया और साउथर्न स्पेन गोल को क्रॉस कर किया। उस पीपल्स का क्या नाम था? हैनिबल। नेक्स्ट दिया है फोर नंबर में, दिस क्यूबन लीडर ऑर्गेनाइज द फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द 26 ऑफ द जुलाई रिवोल्यूशनरी मोमेंट एंड डिफीट बैटिस्टा गवर्नमेंट इन 1959। इन्होंने क्या किया? बैटिस्टा को, बैटिस्टा गवर्नमेंट को 1959 में डिफीट किया और इनको 26 ऑफ जुलाई रिवोल्यूशनरी मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उस पीपल का क्या नाम था? फिडेल कैस्ट्रो। ओके, नेक्स्ट है फाइव नंबर, ही वाज क्वीन विक्टोरियास हस्बैंड। विक्टोरियास हस्बैंड थे, ही पॉपुलराइज द क्रिसमस ट्री इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिसमस ट्री को पॉपुलराइज किया, प्रसिद्ध किया। उस पीपल्स का नाम था प्रिंस अल्बर्ट। ओके, प्रिंस अल्बर्ट। नेक्स्ट है सिक्स नंबर में, इन अ ड्राइव टू क्रिएट अ ग्रेट इटालियन एम्पायर ही इन्वेडेड एबिसिनिया इन 1935। इन्होंने इटालियन एम्पायर को क्रिएट किया, ड्राइव किया और एबिसिनिया में पर 1935 में आक्रमण भी किए। उस पीपल्स का नाम था बेनिटो मुसोलिनी। ओके, सेवन नंबर दिया है, ही अकॉर्डिंग टू द लीजेंड वॉज इंस्पायर्ड टू ट्राई अगेन फॉर अ विक्ट्री बाई वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ ए स्पाइडर स्पैनिंग ए वेब। इन्होंने स्पाइडर को अपने जाल को बनाते हुए एक्टिविटी को देखकर अपने अंदर ये जोश लाए और उन्होंने फिर से आक्रमण करने का निश्चय लिया और उन्होंने जीता भी। इस पर्सन का नाम था नेबूचंद नज़ार। ओके, इस पर्सन का नाम था नेबूचंद नज़ार। एट नंबर था, ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 29 अक्टूबर 1618 आफ्टर हैविंग स्पेंट द लास्ट 13 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ कन्फर्म टू द टावर ऑफ लंदन। इन्होंने अपने लाइफ को 13 ईयर्स स्पेंड करने के बाद इन्होंने 29 अक्टूबर 1618 को इन्होंने एग्जॉटेड किया और उन्होंने, तो उस पर्सन का क्या नाम था? उनका नाम था सर वाल्टर रैली। सर वाल्टर रैली। डियर फ्रेंड, इस तरह से आपका चैप्टर 43 द इमोर्टल चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 44। 44 चैप्टर्स नेम इज जियोलॉजिकल वंडर्स, यानी भूवैज्ञानिक चमत्कार। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 44 चैप्टर में दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द यूजिंग द क्लू बॉक्स। इस स्टेटमेंट को रीड करना है और इसको क्लू बॉक्स में जो दिया हुआ है उसके अनुसार से आंसर देना है। दिस स्पेक्युलर लैंड फॉर्म इन
Mauritania in Sahara Desert, so huge with the diameter of 30 miles that it is visible from a space. यह एक ऐसा भव्य लैंड है जो मोरिटानिया यानी सहारा डेजर्ट में है, जिसका डायमीटर 30 माइल्स है और यह स्पेस से विजिबल है, देख सकते हैं. ओके, तो इस चीज का क्या नाम है? आई ऑफ द सहारा. ओके, इसका नाम है आई ऑफ द सहारा. सेकेंड दिया है द मोस्ट एस्ट्रोनिशिंग सबमरीन केव और सिंकहोल फाउंड ऑन द अर्थ. इट इज लोकेटेड 60 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ बेलाइस इन सेंट्रल अमेरिका. यह जो है एक प्रकार केव है, गुफा है, जो सिंकहोल फाउंड ऑन द अर्थ अंत के अंदर है. इट इज लोकेटेड 60 माइल्स ऑफ द कोस्ट ब्राजील. यह 60 माइल जो है कोस्ट ऑफ ब्राजील पे है. नहीं, तो उससे का आंसर होगा ग्रेट ब्लू होल. ओके, नेक्स्ट दिया है 6 नंबर में अरेर रॉक स्टोनर ऑन द बॉर्डर ऑफ एरिजोना एंड उथा इन यूएसए इज मेड ऑफ द 190 मिलियन ईयर्स ओल्ड सैंड ड्यून्स दैट हैव टर्न टू रॉक. इट इज एसिबल्स ओनली ऑन फोर. इस तरह का क्या होता है, इस एक प्रकार का एक टोटली जो है ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स इन बालू की परत की तरह होता है, जो एक प्रकार के रॉक में बदल जाता है और इस पर केवल जो है एसिबल ओनली फॉर ऑन फोर. ये केवल पैदल चलने के लिए सुगम होता है, आसान होता है. तो उसका क्या नाम है? द वेव. ओके, इसका नाम है द वेव. फोर नंबर दिया है द वर्ल्ड फेमस नेचुरल मोन्यूमेंट्स हूज इंटीरियर हैज द ह्यूज इम्प्रेसिव एंड वंडरफुल लैक. यह क्या है? वर्ल्ड का सबसे नेचुरल मोन्यूमेंट है जो इंटीरियर ह्यूज इम्प्रेसिव और वंडरफुल लैक भी है. तो उसका क्या नाम है? ब्लू लेक केव. उसका क्या नाम है? ब्लू लेक केव. फाइव नंबर दिया इट इज द कंपोज ऑफ अराउंड 1268 कॉन्सेप्ट हिल्स ऑफ अबाउट द सेम साइज सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ द मोर देन 50 स्क्वायर किलोमीटर इन बोहोल फिलीपींस. ये क्या है? इस तरह से कि कौन सेप में 1268 कौन सेप में बना हुआ है जो 50 किलोमीटर ओवर जो है इन बोहोल में है, जो फिलीपींस में है. तो उसका क्या नाम है? चॉकलेट्स हिल्स. उसका नाम है चॉकलेट हिल्स. नेक्स्ट दिया है 6 नंबर में द मोस्ट विजिटेड एंड फोटोग्राफियल शॉर्ट कैनियन लोकेटेड इन लोकेटेड ऑन नवाजो लैंड नियर पेस है एरिजोना यानी यूएसए में. ये एक प्रकार के क्या है? फोटोग्राफर शॉर्ट कैनियन की तरह दिया हुआ है. नहीं, यह जो नवाजो लैंड जो नियर पेस एरिजोना यानी यूएसए में है, तो उस प्लेसेस का उस वंडर्स का क्या नाम है? उसका नाम है एंटीलोप्स कैनियन. उसका नाम है एंटीलोप्स कैनियन. ये सेंट इस तरह से आपका चैप्टर 43 एंड चैप्टर 44 जो है कंप्लीट हो गया. आई होप इन दोनों चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा. ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. वन सेकेंड मैं आप क्लास वर्क समझा दूँ. आपका क्लास वर्क जो है सबसे पहले 43 चैप्टर को लिखना है. ओके, उसके बाद आपको चैप्टर 44 सॉल्व करना है. दोनों चैप्टर आपको सॉल्व कर लेना है, उसको क्लास वर्क मुझे दिखा देना है. देयर आफ्टर जब क्लास वर्क बस एक हो जाएगा, उसके बाद आप 43 चैप्टर को लर्न करेंगे. ओके, उसका शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाएंगे और शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाकर मुझे सेंड करेंगे. देयर आफ्टर ऑल्सो 44 चैप्टर को भी लर्न करना है, उसका भी लर्न करके आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाना है और मुझे सेंड करना है. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका क्लास वर्क जो है मैंने समझा दिया. ओके, क्लास वर्क दोनों आपको कर लेना है. कोशिश ये करेंगे अगर आपको पॉसिबल हो, यदि सीमोटल पर्सन के जो मैंने इसमें नाम बताया है चैप्टर 43 में, अगर आपको ये इनका पिक्चर जो है इनका फोटोज अवेलेबल हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो जेरेक्स डैट जेरेक्स करके आप इनके नेम पर पेस्ट कर सकते हैं. जब आप फेयर में इसको बनाएंगे तो इनका पिक्चर जो है पेस्ट करना होगा फेयर कॉपी में. ओके, ताकि आपको ये आप आसानी से इनको देख भी सकते हैं. ओके, और उसी तरह से आपका 44 चैप्टर जो है आपको सेम है जैसे दिया हुआ है वैसे लिख सकते हैं. अगर फोटो अवेलेबल हो तो आप इसका भी जेरेस करके आप पेस्ट कर सकते हैं. इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्लास वर्क में समझा दिया और एसडब्ल्यू में समझा दिया. ओके, अगर इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चंस में एनी डाउट है देन यू कैन आस्क टू मी, आई विल क्लियर दैट. ओके, तो इस तरह से आपका क्लास वर्क एसडब्ल्यू कम्प्लीट हो गया एंड ऑल्सो आपका क्लास भी कम्प्लीट हो गया. दैट्स ऑल. हैव अ नाइस डे. गुड
गुड बाय एवरीवन।